फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पॉली लाइन के बारे में जानेंगे। ओके, तो पॉली लाइन में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? तो फर्स्ट है आर्क एंड सेकेंड हाफ विथ एंड थर्ड लेंथ एंड फोर्थ अंडू एंड विथ। इन चार पांच चीज़ों से मिलकर पॉली लाइन बनता है। पॉली लाइन एक बहुत ही यूज़फुल टाइप का टूल होता है ऑटोकैड का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पॉली लाइन का यूज़ हम लोग कहाँ, कब और कैसे करते हैं। तो पॉलीलाइन कमांड का टूल का शॉर्टकट होता है PL, या फिर हम लोग ड्रॉ पैनल से भी ले सकते हैं। ओके, पॉलीलाइन, अदरवाइज हमारे पास शॉर्टकट कमांड है PL। तो फर्स्ट प्रेस PL। जैसे आप PL प्रेस करेंगे, आपके पास यहाँ पे विंडो अपेयर होगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, सिमिलर जैसा लाइन का होता है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट देते हैं यहाँ पे। देन ये पूछता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अगर हमें स्ट्रेट लेंथ लाइन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, समवेयर कहीं पे भी स्क्रीन पे क्लिक करेंगे अगर हमें स्ट्रेट लेंथ चाहिए तो। एंड इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है आर्क क्लोज हाफ विथ लेंथ अंडू विथ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग वन बाई वन देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंट क्या होता है। ओके, तो पहले हम लोग एक पॉली लाइन से कुछ ड्रॉ करते हैं। हम लोग पॉली लाइन से कुछ समथिंग ऐसा टूल ड्रॉ किया। ओके, एंड सेम थिंग हम लाइन कमांड लेकर के लाइन से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो एक है ऊपर पॉली लाइन का बना हुआ, नीचे लाइन का बना हुआ। आप डिफरेंट समझ गए होंगे। जैसे हम लाइन पे लाइन सेगमेंट से हम किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं या कोई भी ड्राइंग बनाते हैं या कुछ भी शेप पे समथिंग कुछ भी बनाते हैं, तो वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। बट जब हम पॉली लाइन से समथिंग कुछ ड्रॉ करते हैं तो वो सिंगल लाइन सेगमेंट होता है। लाइक जैसे आपने किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट किया तो फुल्ली टोटली सेलेक्ट होगी, और यहाँ पर जब लाइन से सेलेक्ट करते हैं तो सिंपल वन बाई वन सेलेक्ट होगी। तो ये बेसिक डिफरेंट होता है लाइन एंड पॉली लाइन में। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट लाइन सेगमेंट से कोई कुछ बना हुआ हो, कुछ ड्रॉ किया हुआ हो, तो उसे कैसे करेंगे? क्योंकि अगर जैसे हम इसे मूव करना हो तो हमारे लिए बहुत ही ईजी है, सिंपली मूव कर सकते हैं। अगर हमें इस लाइन सेगमेंट की टोटल मूव करना हो तो हमें टोटली सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, हम लोग ज्वाइन कमांड यूज करते हैं इस लाइन कमांड को, ज्वाइन लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन कमांड का आपके पास शॉर्टकट होता है जे, इंटर एंड सेलेक्ट एंड इंटर। ओके, तो आपके पास ये लाइन सेगमेंट भी ज्वाइन हो जाएगी। ओके, एंड पॉली लाइन ऑलरेडी आपके पास ज्वाइन है, तो एज पर नीड आप यूज कर सकते हैं। एंड अगर मुझे ये लाइन सेगमेंट को या पॉली लाइन सेगमेंट को अगेन सिंगल सिंगल लाइन पर कन्वर्ट करना है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम लोग पास एक कमांड होता है, इसके लिए हमारे पास कमांड होता है एक्सप्लोड कमांड। एक्सप्लोड कमांड का शॉर्टकट की होता है एक्स एंड इंटर एंड सेलेक्ट एंड अगेन प्रेस इंटर। तो ये देखेंगे आप सिंगल सिंगल लाइन सेगमेंट में डिवाइड हो गई। एंड दूसरी पर ट्राई करते हैं, जैसे हमारे पास ये फुल्ली वन लाइन सेगमेंट में, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लोड इंटर। ओके, देन ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन सेगमेंट में ड्रॉ हो जाएगी। ओके, तो चलते हैं अब हम लोग पॉली लाइन पे। PL इंटर, हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, आर्क है। आर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इंटर। पॉली लाइन का ये बहुत अच्छा टूल है जो कि आप कंटिन्यूसली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एरो बना सकते हैं, आर्क बना सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स का आर्क बना सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आर्क बनाएं। ओके, तो आर्क में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एंगल, सेंटर, क्लोज, डायरेक्शन। ओके, तो इनमें से मैं एक दो बताता हूँ, उसके बाद आप सेल्फ प्रैक्टिस करना। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर लेते हैं एंगल। एंगल के लिए क्या करते हैं, ए इंटर। ओके, एंड यहाँ पे लाइक हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, समथिंग किसी भी डिग्री का मुझे आर्क चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, एंगल इंटर करेंगे लाइक 45 एंड देन प्रेस इंटर एंड क्लिक। तो आपके पास ये
45 डिग्री का आर्क ड्रॉ हो गया। अब इसे मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीनियर पे जाते हैं एंड एंगुलर से हम लोग इसका मेजर कर लेते हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं कि ये 45 डिग्री का आर्क हमारे पास बन चुका है। ओके, एंड अब सेकेंड केस पे आते हैं, डिलीट करते हैं, पी एल इंटर करते हैं, देन अगेन आर्क एंड सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, सेंटर। तो हम लोग सी ई इंटर करते हैं। ओके, एंड स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, हम लोग कहीं पे भी सेंटर स्पेसिफाई करते हैं। तो आप देखो कि ये सेंटर यहाँ पे ले लिया है एंड इस अब ये जो आर्क ड्रॉ हो रहा है अलॉन्ग दी सेंटर हो रहा है। ओके, अब इसका सेंटर पॉइंट ये हो चुका है, अलॉन्ग दी सेंटर ये ड्रॉ होगा। अब लाइक मुझे इस सेंटर पॉइंट से सम डिग्री पे मुझे आर्क चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट एंगल इंटर करेंगे 45 इंटर। ओके, देन एस्केप। तो अब देखो कि ये 45 ड्रॉ हो गया। तब इसे मेजर कैसे करेंगे, अब इसे मेजर करने के लिए हमारे पास एक कमांड है एक्सेल, जिसे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। इस सेंटर के अलावा हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड नेक्स्ट इस सेंटर से इस सेंटर को मैच करेंगे एंड इसे ट्रिम कर लेंगे, अदरवाइज ये एंगल मेजर नहीं होगा। अब एंगल मेजर करने के लिए हम लोग एंगुलर भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कमांड यूज कर सकते हैं डी ए एम। ओके, देन सेलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 45 डिग्री एंगल ड्रॉ हो गया है, राइट। तो ऐसा यूज करते हैं हम इसको। और जो ये एंगल होती है 45, ये आपको इस पॉइंट से नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट नहीं है, अलोंग दी सेंटर मिलेगी, इस सेंटर पॉइंट के अलोंग मिलेगी आपको। ओके, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पी एल इंटर एंड अगेन आर्क का हमारा हो गया। अब बात करते हैं हाफ विथ का। तो हाफ विथ क्या होता है, हाफ विथ जैसे आपको एरो बनाना है या लाइन का थिकनेस इंक्रीज करना है, कहीं ड्राफ्टिंग पे हमें कुछ डार्क दिखाना होता है, कहीं डार्क शो करना होता है, मोटी लाइन शो करना होता है, तो उस केस में हाफ विथ यूज करते हैं हम लोग। ओके, या एंगल्स वगैरह बनाना हो तो ऐसे में हम हाफ विथ यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे चलते हैं हाफ विथ क्या होता है, हाफ विथ के लिए एच इंटर एंड अब यहाँ पे आपसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट को 3 देते हैं एंड ये पूछेगा एंड पॉइंट, एंड पॉइंट को हम 0 देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, आप देखेंगे कि ये एक ऐसा एरो ड्रॉ हो रहा है। ओके, तो हाफ विथ का ऐसा यूज करते हैं। और अगर आपको कंटिन्यूस थिकनेस कंटिन्यूस लाइन चाहिए समथिंग ऐसा, तो भी आप हाफ विथ का यूज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगेन हाफ विथ यूज करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देते हैं 2 एंड सेकेंड पॉइंट भी देते हैं 2, तो आपके पास कंटिन्यूस सिमिलर लाइन ड्रॉ होगी। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप अगेन इसे डिलीट करके पी एल लेते हैं, तो आपके पास सेम थिकनेस की लाइन चलेगी, आपके पास ओरिजिनल लाइन नहीं आएगी। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए पी एल इंटर, इससे बाहर आने के लिए स्पेसिफाई पॉइंट एंड देन इंटर हाफ विथ एंड देन इंटर स्टार्ट पॉइंट 0 एंड एंड पॉइंट 0, देन ये ऑटोमेटिक आपका ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ओके, अब देन बात करते हैं यहाँ पे क्लोज कमांड की। जैसे हमने कुछ शेप बनाया ऐसा, ओके, अब मुझे इसे क्लोज करना है ऐसे डायरेक्टली, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाएगा। ओके, एंड एक एग्जांपल और लेते हैं, पी एल इंटर किया, पी एल इंटर, कुछ हमने ऐसा शेप बनाया और हमें यहाँ पे इसे ज्वाइन करना है, तो इसके लिए हमें सी इंटर करेंगे, ये ऑटोमेटिक क्लोज शेप बन जाएगा। तो जस्ट सिंपल सा कमांड है एंड अगेन देखते हैं अंडू कमांड। पी एल पॉलीलाइन के अंदर जो अंडू होता है वो आपको वन स्टेप पीछे लेकर जाता है। ओके, जैसे हम लोग ये लाइन बनाया, ये लाइन बनाया, अब हमें क्या है कि इस कमांड से बाहर भी नहीं आना है, अगर हम बाहर आ जाएंगे तो पॉलीलाइन डिसकनेक्ट हो जाएगा। बट उस केस में हमें ये लाइन नहीं चाहिए, हमें ये लाइन किसी और डायरेक्शन में चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यू इंटर करेंगे, तो ये हमें वन स्टेप पीछे लेकर आ जाएगा। ओके, जैसे अब हम यहाँ पे यू इंटर करते हैं, तो मुझे वन स्टेप और ये पीछे लेकर आ गया। ओके, अगेन देखते हैं, जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, हमें ये लाइन नहीं चाहिए,
तो हम यहाँ पे यू इंटर करेंगे तो हमें वन स्टेप बैक लेकर चला जाएगा। ओके, तो हम ऐसे पॉलीलाइन के अंदर अंडू कमांड का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टूल विथ। विथ में क्या होता है, विथ और हाफ विथ सेम होता है ऑलमोस्ट। विथ होता है, विथ होता है जो फुल होता है, हाफ विथ होता है वो हाफ होता है। लाइक सिमिलर कोई हमारे पास लाइन है, उसकी लेंथ है 100 एंड उसका हाफ विथ हो जाएगा 50, एंड हाफ किसी लाइन का हाफ विथ है 50 तो उसका विथ हो जाएगा 100। तो ऐसा सब रिलेशन है इसका। ओके, तो हम लोग डब्ल्यू इंटर करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 1 एंड नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो 1। ओके, देन देखिए आपके पास ये सिमिलर कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ हो रही है, एंड अगर ये हाफ विथ का केस होता तो हम लोग क्या करते, पी एल इंटर PL इंटर, ओ ये विथ का कमांड ले रखा ऑलरेडी, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, पहले जीरो करेंगे। ओके, देन ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।